खुदा को फैन मिलते ही मिलते हैं यहाँ पे, पिछली बार भी मिले थे लेकिन बैठ गए तो उसको याद है। शवरमा लेते हैं, स्पाइसी लेंगे हम, लाइक अकेले ना फुल स्पाइसी। मामा को ना, मामा कहती है मैं तुम लोग को नया नोट दिखाती हूँ, ये है मेन्यू। तो बहुत ही स्मार्ट किस्म की कैंपेनिंग की हुई उन्होंने। अभी हम लोग खाएंगे जी राइस कबाब। ये देखें जी स्काई ट्री, और इसकी लाइट्स हो गई हैं ऑफ। जब यहाँ पे आके ये लोग खाना खाते होंगे अपने ट्रेडिशनल, तो इन्हें काफ़ी मज़ा आता होगा क्योंकि बिल्डिंग्स के बीच में है ये जगह। और ये देखें ताइयाकी, ये मीठा होता है इनका फिश शेप में, अंदर में ख्याल से बीन्स का पेस्ट होता है। ये ऐसे साइड पे ये ब्रिज बने हुए हैं रोड के चारों तरफ, आप जिस तरफ से भी आ सकते हो आओ, सामने लिफ्ट है, हमने लिफ्ट यूज़ की थी। हम लोग खाएंगे जी राइस कबाब। शवरमा लेते हैं, स्पाइसी लेंगे हम, लाइक अकेले ना फुल स्पाइसी। ये कोई चाइनीज है, ये देखिए ये हलाल है टर्किश कबाब। फर्स्ट माइल्ड और एक हॉट। ओके, ये साथ में चाइनीज है, मैंने ये भी दिखा दूँ। ये इन्होंने प्राइस लिखी हुई है ऊपर, ये मेरे ख्याल से हलाल नहीं है भाई, ये हलाल नहीं है ना, लग नहीं रहा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। दिखा मैं चुकी हूँ आप लोगों को कि हम लोग आए हैं टोक्यो, थोड़ा सा टर्किश कबाब खाने का दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन अभी यहाँ पर हमारा लास्ट स्टॉप नहीं है, ये बस ऐसे ही हल्का फुल्का हम लोग खा लें, उसके बाद मेरा दिल कर रहा था कि आज रामेन खाएँ, हलाल रामेन फिर से, मतलब रामेन खाएँ। हलाल बोलना वैसे अजीब लगता है मुझे, ठीक है हलाल ही खाएँगे लेकिन रामेन खाऊँ मैं। और अभी लेकिन गाड़ी में लाइका अदा मामा का दिल कर रहा था कि वो कबाब खाएं, टर्किश कबाब शवरमा, तो उनके लिए वो ले रहे हैं हम, बाकी यहाँ से निकल के फिर आगे जाएंगे। अभी हम हैं थाकदानो बाबा में, पेमेंट चल रही वेरी हॉट। वो आप लोगों को बाहर का खाना मन है ना, तो फिर आप लोग उधर मॉल वाली सीटिंग में बैठ जाएंगे, अगर नहीं तो फिर पीछे वापस गाड़ी में आके बैठ जाएंगे। अभी हमने ढूंढनी है पार्किंग। ये हम आ गए थे बाबा स्टेशन पे, और यहाँ पे है लंजू हलाल रामेन शॉप, वो है इस बिल्डिंग, येलो वाली बिल्डिंग में। मैं दिखाती हूँ उसका अगर सिंबल हुआ तो। अभी हम ढूंढेंगे पार्किंग, फिर पार्क करेंगे, फिर नीचे जाएंगे। खुदा वॉक करने निकली हुई है, हमारे साथ है अदा, ये रही मामा फुल चश्मे लगा के मामा ही भी, और हमारे साथ है मलाइका। हेलो खुदा, खुदा क्यूट है, कैसी है अदा आप? हाय हेलो जी, अभी हम हैं थाकदानो बाबा, मैंने पहले भी बताया आपको इसके बारे में, हम लोग आए हुए थे, व्लॉग भी मेरा इस पे एक बना हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप लोग जाके वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो अभी बस उसकी तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे जाके फिर दोबारा से दिखा देती हूँ आपको, अगर आप आना चाहें तो। बस थाकदानो स्टेशन बिल्कुल सामने, उधर से आपने लेफ्ट हो जाना है। अब पता नहीं गेट कौन सा लगता है, मैं स्टेशन से नहीं आ रही इसलिए मुझे नहीं पता गेट का, अगर आप स्टेशन से आएँ तो आपको थोड़ा सा शायद चलना पड़े ज़्यादा, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे हलाल लंजू रामेन तो आपको इजीली मिल जाएगा। आपने स्टेशन का से ही एग्जिट लेंगे तो आपको भी वॉक नहीं करनी पड़ेगी, ये रहा। हाँ ये देखें, तोजाई लाइन के पास से आप निकलें और फाइव जो भी एंट्रेंस बनती है एग्जिट बनता है, ये मुझे अभी स्टेशन का बिल्कुल नहीं पता, मैं बहुत कम गई हूँ स्टेशन पर। हाँ गाड़ी का पता है वो मैंने बता दिया आपको, अभी हम जा रहे हैं बिल्डिंग की तरफ।
और ये हमारे साथ हैं उमेर। ठंड होगी है यहाँ पे, मतलब अच्छे मज़े वाली ठंड होगी है। यस, मतलब फुल ठंड, फुल टाइम ठंडी हवाएं। अपने आने हैं इस बिल्डिंग के अंदर, ये डोंकी होते के साथ। ये जी हलाल रामेन और दुनिया बैठे मैं अभी। हमने मंगवाया था क्या चीज़ है, ये लेंजू बीफ नूडल। पता नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ये पैदा, मैं जब पहले कासिम के साथ आई थी ब्लॉग, ये ट्राई किया था। अब क्या करना है? अब अच्छा था तो अच्छा था, ये ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, मैं देखूं पहले। यार मज़े की शीशे की बोतल है कोला की। अदा लोग कह रहे थे हम लोगों ने ना रामेन नहीं खाना, हम लोग खाएंगे शवारमा। अब उन्होंने शवारमा ले लिया तो जाहिर बात है किसी और रेस्टोरेंट में जा गया, वो तो खा नहीं सकती, उन बाहर से ला के खाना। तो वो बाहर बैठे हुए खाना खा के जैसे शवारमा ख़त्म कर लेंगे अंदर आ जाएंगे। तो अभी हमारी नूडल्स तो नहीं आए, रामेन तो नहीं आए, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं, वो भी बाहर अपना खाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो उमेर और वो लोग सब आए हैं, मैं बैठी हुई भी वेट कर रही हूँ रामेन का। हम लोग ऐसे में डिसाइड नहीं कर पाए थे एक चीज़, तो मैं ये कहते तुम लोगों के साथ ये तरीका ठीक है, जिसको जो खाना है ना वो पकड़े अपना और खाए और फिर आगे चलते हैं। तो मुझे रामेन खाना था, मैं रामेन खाने आ गई हूँ। मैंने शवारमा यार खा लेते हैं, रामेन थोड़ा सा ना अभी स्पेशल है, दूसरी मरतबा खाना है मैंने, तो मैंने कहा खाते हैं आज रामेन खाते हैं। 9:30 हो रहे हैं। नहीं आपने बता रहा था तो रामेन की दुकान से बाहर बैठा दिए के अलग हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशल बार सोफ़ा लगा के दिया और हम लोग इधर बैठे हैं। हमने आज थोड़ा सा स्पाइसी करवाया तो इसलिए उन्होंने ऊपर ये हमें गिरा के दिया है ऑयल, स्पाइसी ऑयल। ये दिखाओ हलाल, मैंने भाई भी दिखाया, ये देख लें हलाल। और ये बहुत लास्ट से मैंने बताया था ये बहुत यम्मी है, मैंने स्पाइसी मिक्स की है। मैं वैसे पहला रिएक्शन क्या निकला आपका, कैसा है सॉस यखनी? बहुत अच्छी, बीफ की यखनी और मटन की यखनी जो होती है वैसा लाइक है, और अच्छी है। बाकी मैं नूडल्स खाऊंगा फिर बताऊंगा। यार बहुत मज़े का, मैंने पहली दफ़ा वैसे रामेन खा रहा हूँ। कहाँ? पहली दफ़ा रामेन खा रहा हूँ। मज़े के ना, मुझे मज़े करें। हमारा बच्चा कभी यहाँ जा रहा है, कभी बाहर जा रहा है, कभी अंदर आ रहा है, वीडियो में भागता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए कंची होती है। अच्छा काके बताएं कैसे नूडल के साथ? यार इनकी क्या मज़े की यखनी है ना उमेर, मतलब यखनी कह रही हूँ मैं उसको, ठीक है। रामेन का जो सूप है ना, उफ वेरी नाइस, वेरी नाइस, पसंद आया। जायके भी बहुत अच्छे, थोड़े से हमारे टाइप के हैं, हमारे टाइप के, जो मैं लास्ट में बताया था जो धनिया जायका दे रहा है ना अंदर, मतलब फुल टाइम ना धनिया ने गेम उठाई हुई है रामेन की। मैं एक हाथ से ना खा नहीं पाती उसको, इतनी लंबी लंबी नूडल्स हैं तो वो कैमरा छोड़ना ही पड़ता मुझे। पानी बस अभी चले गया मामला। इसका बीफ है, इतना प्यारा सॉफ्ट है और मंगवा दे फिर, मैं एक बार पूछ लेते हैं उनसे कि ये लोग आ गए मंदिर जब बैठ जाए। काफी मंगवाएंगे एक पूरा भरा हुआ बाउल आना, नहीं खाएगा। अब ये वाली सॉस मैंने ना स्पाइसी सॉस और ऐड की है इसमें, तो अब ऑलमोस्ट रेड हो गया हमारा रामेन। ये आ गया जी इनका रामेन और इनके ऊपर से धनिया डाल। ये इन लोगों का बाउल कैसा है अदा? बहुत अच्छा। नायका कैसा है? बहुत अच्छा है। मामा आप बताएं? बहुत मजे का है। जरा मैंने भी कोशिश की थी नहीं डाला ना। अच्छा जी यहाँ पे जब आपने आना है ना तो कार्ड लेके नहीं आना, आपने ना कैश लेके आना है, यहाँ पे कैश चलता है। कार्ड दिया, उन्होंने कहा नहीं जी कैश चाहिए, तब हमने पैसे पूरे किए। वॉशरूम जाने के लिए पानी है और गंदे होते हैं। चलो जी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। फिंगन फिंगन
हम निकलते हैं, देखते हैं हमने क्या करना है। टोक्यो आके बस हमेशा कंफ्यूजन रहती है क्या करना है, खाना खा लिया, गाड़ी चला ली, क्या करना है, देखते हैं। ये हवाएं जो बाहर निकलोगी है ना, सर्दियों में सर्दियों का वेट कर रहे होते हैं हम, लेकिन जब सर्दियां आ रही हैं ना फिर थोड़ा होता है कि यार बहुत जहरीली हवाएं, बहुत ठंडी हवाएं यहाँ की ना। तो अभी हम निकल आए बाहर, तो ये हम एक दरवाज़ा खुलते साथ जब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। मामा को ना, मामा कहती मैं तुम लोगों को नया नोट दिखाती हूँ, ये है मेन्यू। तो बहुत ही स्मार्ट किस्म की कैंपेनिंग की हुई उन्होंने, ये 6800 का नोट है और ये अंदर से मेन्यू है, ये चक्कर है। अच्छा जी, गाड़ी में बैठ के हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं फ़िश मार्केट। मेरे को काफ़ी टाइम से हो रहा था कि यहाँ की फ़िश मार्केट नहीं देखी मैंने, और काफ़ी बर्तबा हम वहाँ से गुजरते हैं और एक खुशबू सारी भी आती है, हम तो वैसे उसको स्मेल कहते हैं, लेकिन हम लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे काफ़ी फ़िश की ना मतलब ओपन मार्केट जो होती है ना, वो हम लोग वो देखना चाह रहे थे। लेकिन खैर जाते जाते हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक और जगह है जहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट है या ट्रेडिशनल बाज़ार है जापान का, इस एरिया का, तो हम वो देख लेते हैं। तो बस हम वही जा रहे हैं साथ सब सॉन्ग्स इन्जॉय कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, हल्का फुल्का हुदा के साथ लगे हुए हैं डांस कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मैं ना एक बात करना चाहूँगी, पता नहीं क्यों मेरे जहन में यह बात है कि यार हम लोग ना बड़ा घुट घुट के जीते हैं, मतलब हमारा दिल भी कर रहा होता है सही से खुल के इन्जॉय करने का, लेकिन फिर भी एक जो घुटन है ना अपने अंदर कि यार वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, या उसके सामने मैंने ऐसा बिहेव नहीं करना, या मैं थोड़ा सा ना अपने आप को अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा सा लिमिटेड कर लेती हूँ कि वो कहीं गलत ना सोच ले मेरे बारे में। मैं बहुत दबे छुपे अल्फाजों में बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुले में बात करते हो ना तो आपकी बातों के ना कई मतलब निकल आते हैं, तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता या कुछ लोग गलत मतलब ले लेते हैं। तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि यार घुटन ना एक अजीब सी चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आती, और मुझे नहीं, एक ही ज़िंदगी है, अच्छे से जी लो, ये सबसे सुना हुआ है और अब इसका मतलब ही समझ जाने लगे ये क्यों कहते हैं लोग। अगर हम दूसरों की भी सोच का भार अपने ऊपर ले लेंगे ना कि यार वो क्या सोचेगा, उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ओहो उसको तो नहीं पसंद है कि मैं ऐसे बैठूँ, ऐसे हंसूँ, ऐसे खाऊँ, तो मेरी फैमिली को ये नहीं पसंद है या मेरे दोस्तों को ये नहीं पसंद है। हम लोग फैमिली की ही बात कर लेते हैं, काफ़ी लोग होते हैं आपकी कुछ बातें अच्छी लग रही होती हैं, कुछ बातें बुरी लग रही होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके अंदर की खुशी क्या कह रही है, आपका अंदर का दिल क्या कह रहा है आपको कि वो करो आप, और बस हाँ ठीक है, आपको आपके किसी भी एक्ट से किसी को तकलीफ ना हो इस चीज़ का ध्यान रखो, बाकी ठीक है खुल के जियो और नहीं सोचो कि क्या कोई कहेगा मुझे, क्या सोचेगा मेरे बारे में, या ठीक है आपको पता आपका अल्लाह के साथ क्या सीन है सब कुछ, और बाकी जियो, मज़े करो, खाने पीने खाओ, डांस करो फैमिली के साथ, इंजॉय करो। फेक नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ के, आपकी ज़िंदगी में चार लोग हैं और चारों लोगों के सामने आपकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है कि मुझे इसके साथ इस तरह का रहना है, मुझे उसके साथ उस तरह का रहना है, और बिला वजह ये आपने एक बोझ डाला हुआ है कि उसको कहीं बुरा ना लग जाए, इसको कहीं अच्छा ना लग जाए, तो इतना नहीं सोचा करें, अपनी आसानी करें, अपनी ज़िंदगी में आसानी लेके आएँ और दूसरों की ज़िंदगी में भी ना आसानी रहने दें, और ना ही किसी की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट शो कराएँ कि यार नहीं तुम इस तरह करो, मतलब ठीक है बिला वजह किसी को ना सिखाने की भी कुछ ज़रूरत नहीं होती है कि ज़िंदगी में तुम इस तरह करो, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें मतलब तुम्हारा जो तरीका है ना वो ठीक नहीं है, तुम्हारा आगे जाके नुकसान होगा, ठीक है होने दो यार नुकसान, किसी का थोड़ा बहुत होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान के बाद ही आपको थोड़ी बहुत अकल आती है, बहुत बड़ा वाला ठीक है थोड़ी अकल खुद भी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप कंट्रोल करते हो ना किसी की लाइफ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एट द एंड नुकसान आपका अपना है, और दूसरा बच बचा के कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आप वो बंदे हो जो कंट्रोल करवा रहे अपनी लाइफ तो और बुरी बात है। तो बस इस तरह से ना आपको थोड़ा सा ना संभल के लाइफ को समझदारी से मुझे लगता है कि ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और इस तरह की बातों में ना टाइम ही नहीं वेस्ट करना चाहिए। अच्छा जी, वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि हम लोग पहुंच गए बस सिग्नल पे खड़े, हम लोग देख रहे थे साथ साथ कि हमें पार्किंग एरिया थोड़ा पास वाला मिले जहाँ पे हम लोग ईजिली गाड़ी खड़ी करके और ज़्यादा चलना ना पड़े, क्योंकि मामा साथ होती है ना तो कोशिश होती है कि ज़्यादा गैप में गाड़ी ना खड़ी की जाए, क्योंकि मामा को काफ़ी चलना पड़ता है फिर, तो हम अवॉइड करते हैं। तो बस अब वो उसी का वेट कर रहे थे कि ज़रा एक सिग्नल क्रॉस करके दोबारा से चक्कर आया थे, अगर मिल गई पार्किंग तो ओके, नहीं तो फिर मजबूरी में तो करना पड़ता, लेकिन हमें पार्किंग मिल गई थी और बस फिर पार्किंग में लगा के हम लोग ऊपर चले गए। अच्छा जी, अब हम लोग आए हैं थोयो सो मार्केट। बिल्कुल सड़क किनारे हमें लिफ्ट मिली है, हम ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, चेक करें, हमारे से भी ऊपर ट्रेन जा रही है।
और उमेरी कौन सा एरिया है, उमेरी कौन से एरिया में आए हम? यार ये हम लोग उदायबा बीच के पास है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उदायबा ही इलाका होगा। ये है सामने तोयोसु मार्केट, ये असल में ना जैपनीज मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट कहना चाहिए, जैपनीज तो सब कुछ ही है यहाँ पे। ओ वाओ, अच्छा जी ये सेकंड फ्लोर पे बनी हुई है मार्केट, टाइम पे ये सारे जैपनीज मिस हैं, ये सुशियाँ और वो मतलब फुल ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं। म्यूजिक तो एकदम तबले का लग रहा है इनका जो जैपनीज। हाँ ये समुराई अंदर नाइफ्स पड़ी हुई है, चेक करें। चुड़ियाँ देखी? हाँ मैंने दिखाई, अभी बंद हो गए हैं काफ़ी मिस है, सारे बंद हो गए। सुबह यहाँ पे 7 बजे ऐसे वो खचा कर ट्रेडिशनल बाजी इधर है, बाजी इधर है। इधर देखिए हमारी दुकान पे सबसे अच्छा कपड़ा है, बड़े मज़े की जगह है, बड़े मज़े की वाइब है। सी फूड बर्गर ऐसे में वो है थोड़ी मतलब पता लगता है जो पानी है ना लें कि पता चले हम ही आए हैं। तस्वीरें वगैरह लेनी है तो ले लो। हाँ लेते हैं लेते हैं, ये देखिए सामने सी। ओ वाओ, वो सामने ऊपर बिल्डिंग के लेफ्ट ऊपर नीचे जा रही है, ये चेक करें। ये देखो इन्होंने टेबल के ऊपर लैंप कितने लाइट सारे रखे हुए हैं, इससे हमने खाने लगे ना साथ ही उन्होंने आ जाना था कि दमे दो। हाँ मैं खड़ी हो गई हूँ पिक्चर लेने के लिए, मैं कहा वहाँ पे खड़े हो जहाँ पे ये थोड़ा सा ना आपके पास लैंप है ताकि रोशनी आए मुँह पे। इन्फॉर्मेशन क्या लगा उस पर लिखा ना प्रेयर रूम का। ओके ये जी ट्रेडिशनल मार्केट, एक क्विक सारा टूर दे देती हूँ मैं आपको, तो सब में से क्लोज हैं मतलब ये शॉप्स वगैरह, तो बाकी अभी बिल्कुल सुनसान हुआ है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ना फटाफट से ना वीडियो बना लूँ। और ये हूँ मैं, ये चेक करें आयरोरी, और बिल्कुल जैपनीज है तो मुझे इतना कुछ खाने का भी नहीं पता है इनका। ये रहा सी फूड बर्गर, और ये सेकंड फ्लोर पे है, और आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल आप ग्राउंड फ्लोर पे भी चल रहे हैं, ये चेक करें। बहुत मज़े की वाइब है और मुझे यकीन है कि जब यहाँ पे आके ये लोग खाना खाते होंगे अपने ट्रेडिशनल तो इन्हें काफ़ी मज़ा आता होगा, क्योंकि बिल्डिंग्स के बीच में है ये जगह। और ये देखें ताइयाकी, ये मीठा होता है इनका फिश शेप में, अंदर मेरे ख्याल से बीन्स का पेस्ट होता है, तो ये हलाल भी मिलता है, लेकिन अभी मुझे पर्सनली इसका मुझे ज़्यादा शौक नहीं है तो मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं रखी हुई कि कहाँ से मिलता है, तो अगर कभी मौका मिला तो ये भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, वो लोग चले गए हैं गाड़ी में, मेरा वेट कर रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों के लिए दोबारा से मैं टूर करा दूँ आप लोगों को अपने साथ। ये नाइफ की शॉप है खिवामी, इतना मज़े का मौसम था मैंने सोचा बस फटाफट से ना भागते भागते आप लोगों को भी ना दिखा दूँ अपने साथ, ये बहुत प्यारी जगह, मज़े मज़े के ये चक्कर है। और नीचे बिल्कुल रोड जाने में भी दिखाती हूँ। अच्छा जी ये रहा, इन्होंने थोड़ा सा मैप दिया हुआ अपना, और ये देखें मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये दिया हुआ इन्होंने प्रेयर रूम को, हलाल फूड भी शायद कुछ मिल जाए खाने को, नहीं तो नमाज़ पढ़ने की जगह तो है। ये देखें अब बाहर से देख लें, ये वो वहाँ अंदर गई थी, ये ऐसे साइड पर ये ब्रिज बने हुए हैं रोड के चारों तरफ, आप जिस तरफ से भी आ सकते हो आओ, सामने लिफ्ट है, हमने लिफ्ट यूज़ की थी, और वहाँ पे भी हो साइड पे। और ये देखें बाहर निकल के, और बाहर निकल के ऐसे आपको रोड मिल रही है, सारे ब्रिज ना ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग जा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा होगा इसका कोई तोयोसु मार्केट ऑब्जर्वेशन गैलरी, और फिश होल सेल मार्केट, फिश इंटरमीडिएट होल सेल मार्केट, रूफ गार्डन, तो ये कुछ यही बनता है, ये सामने लिखा हुआ है ये सामने ऊपर तोयोसु मार्केट, तोयोसु मार्केट। अच्छा वहाँ पे घूमते हुए ना हम लोग एक ही बात कर रहे थे कि बस अब यहाँ पे चाय होनी चाहिए, चाय होनी चाहिए, डिनर तो कर ही लिया था, तो उसके बाद चाय की ऐसी तलब हो रही थी। देसियों का पता क्या सीन होता है, उनको बस ना रोटी के बीच में ही बेशक चाय ला के दे दो, वो कहते हैं ओह जी बिस्मिल्ला हमें बस चाय मिल गई है इसको यस कराओ ना, तो इतना नशा टाइप है कुछ चाय हमारे लिए। तो उस टाइम पे बस दिल कर पड़ा तो वहाँ से सोच के ही निकले कि चाय पीनी है अब, तो अभी हम लोग ने सोचा कि यार चाय ही पीनी है जब, तो फिर उदायबा बीच पे जाके पी लेते हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी उसी तरफ। और वहाँ पे जाने से पहले हम लोगों ने रुके जी, गर्म है कितने
हम लोग हैं 4-5 ये गर्म है। हाँ हम लोग ले रहे हैं जी अब बीच पे जाने से पहले कॉफ़ी। चलो जी कब अब हम आ गए हैं ओडाइबा बीच, गाड़ी पार्क करते हैं और नीचे जाके कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। रेनबो ब्रिज के पीछे टोक्यो टावर नजर आ रहा है। हम उतर गए आगे हैं अपनी कॉफी एंजॉय करने ओडाइबा बीच पे और चेक करें। आपको तो नहीं पता चल रहा होगा लेकिन क्या प्यारा मौसम है अभी, ऐसे मजे का, बिल्कुल तंग करने वाला नहीं है, ना तो गर्म ना तो ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा है पर ज्यादा नहीं। हमने अपनी शॉल्स निकाल ली हैं कवर करने के लिए कि भाई कंधों को हवा नहीं लगनी चाहिए। तो वॉक करके जाने तो फिर हम लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी जाएं। वो इस टाइम इतना कोई खास पता नहीं चलता है इसलिए हम पानी के पास ही चलते हैं। यहाँ पे ना क्रूज चलते हैं छोटे मोटे, तो ये यहाँ से आप जाते हो बैठते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइमिंग ख़त्म होगी भी है, रात के हो रहे हैं 11:30। ये चेक करें, अदर कह रही है सर्दी तो है और जैकेट पहन नहीं थी। लास्ट ईयर हमने अपनी सिस्टर को यहाँ पे विश किया था, अब वो पाकिस्तान में बर्थडे छोड़ो बस विश किया था। क्या है पकड़ो पकड़ो मुझे सर्दी लगती है। कॉफ़ी पकड़े और सुकून है। चीयर्स चीयर्स बंद है नहीं सही है। चीयर्स हमने आगे नहीं जाना हुदा, यहीं बैठना है। बाहर आए हैं लाइट्स को देखने, ये ना 12 बजे बंद हो जाती है। और ये देखें ट्री बना हुआ है, खुदा को फैन मिलते ही मिलते हैं यहाँ पे, पिछली बार भी मिले थे लेकिन बैठ गए तो उसको याद है। ओके तो मज़े की गोल्डन लाइट आ रही है। ये देखें लाइट जलाने के लिए दिन के लिए सोलर और रात के लिए फैन को पता नहीं विंड टरबाइन विंड मिल विंड बाइन टरबाइन दोनों। हाँ दोनों ही ना एनर्जी मिल रही है लाइट को। ये मूव भी कर रहा है तो ये पीछे जो गत्ता है ना हाँ। ये देखते हैं हवा की डायरेक्शन किधर है, वो फैन को उस तरफ कर देता है। स्मार्ट ये देखें जी स्काई ट्री और इसकी लाइट्स हो गई ऑफ। बस आज हमने सारा टोक्यो देख लेना है सुमिदा। ये चेक करें पत्थर रखे हुए ताकि लेट के ना आसानी से देख सको आप। ये जो बेंच पड़े हुए ना उधर लेट के बना रही हूँ वीडियो। ओ लाइट्स ऑफ हो गई हैं उसकी। किसी एक खुदा प्लीज बाबा कह रहे हैं प्लीज हेल्प मी। ओ फटाफट जाती है अंदर कहती है चलो फिनिश। ये चक्कर है इधर चले ये पड़े हुए पत्थर पीछे तो उनके बीच में गैप है वो बंद। चलो बस रात को भी चीज़ें मज़े की लगती हैं, सन्नाटा है, सुबह के टाइम बहुत रश होता है पर रात के टाइम लाइट्स ऑफ हो गई हैं बस।
हाँ ये सर टाइल अंदर खोखली है, नीचे टैंक होगा ना इसका पानी। हाँ अच्छा जी, उदयपुर बीच के बाद उमेर का दिल कर रहा था कि अब स्काई ट्री के चक्कर लगा लेते हैं। लाइट्स हमें पता था कि ऑफ हो गई हैं, लेकिन बस हुदा के लिए हम लोग आगे की खाली जगह होती है और ट्रैफिक भी नहीं होती, तो अच्छी तरह हुदा खेल लेगी, काफ़ी अच्छा टाइम गुजार लेगी। और वही हुआ, हुदा ने खूब खेला और उसके बाद बस फिर ऐसे हम लोग घर के निकल आए। यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।